हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव स्टडीज। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड क्लास टाइम एंड वर्क की। तो ये होगा हमारा पार्ट टू ऑफ टाइम एंड वर्क फॉर क्लास एट। और इसके अंदर हम लोग और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे। जो हमने पार्ट वन में किया था वो हमने किया था। तो पार्ट वन में हमने सबसे पहले किया था बेसिक्स, कि वो कॉन्सेप्ट क्या था, प्लस थोड़े बहुत हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, अब हम पार्ट टू के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन, जिससे कि हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और जिससे कि हमारी स्पीड भी बढ़ेगी क्वेश्चंस को करने की और उनको अंडरस्टैंड करने की। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। ए एंड बी कैन पॉलिश द फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग इन 25 डेज। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ए एंड बी जब दोनों काम करते हैं, ए एंड बी कैन डू द वर्क इन 25 डेज, राइट? तो वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी इज 1/25, राइट? इसको हम थोड़ा सा प्रेजेंटेशन के साथ में लिख लेते हैं। वन डे वर्क ऑफ ए एंड बी इज 1/25, ठीक है जी। ये तो हो गई बात हमारे ए और बी की। अगर ए और बी दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे तो 25 दिन में खत्म करते हैं। अब हम ये देखते हैं कि आगे क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि ए अलोन कैन डू 1/3 ऑफ द जॉब इन 15 डेज। तो अगर 1/3 जॉब 15 डेज में कर रहे हैं तो पूरी जॉब कितने दिन में करेंगे? 45 डेज में। वो कैसे आया? A can do the work in 3 × 15, that is 45 days. This is 45 days, right? So, one day work of A is what? 1/45. अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि इन हाउ मेनी डेज कैन बी अलोन पॉलिश द फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग। ये बोल रहे हैं कितने दिन लगेंगे बी को काम करने के अंदर। ठीक है जी, चलिए बी का निकालते हैं। तो हमें पता है कि ए बी ने कितना काम किया। अगर हम ए बी जो दोनों ने मिलकर काम किया उस काम में से अगर हम सिर्फ ए का काम निकाल देंगे तो हमारे पास बी का काम आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि वर्क डन बाय ए बी माइनस वर्क डन बाय ए इज इक्वल्स टू वर्क डन बाय बी। ठीक है जी, चलिए तो फिर हम निकाल देते हैं। फिर ए बी ने कितना काम किया साथ में? 1/25 एक दिन में माइनस, और ए ने कितना किया? 1/45। तो अगर हम एलसीएम लेंगे 25 और 45 का तो हमारा एलसीएम क्या आएगा? 5, 5 is 25, 5, 9 is 45। अब तो कुछ जा ही नहीं रहा, तो 5, 5, 25 into 9, ये हमारा हो जाएगा एलसीएम। कितना आ जाएगा? 9, 5 is 45, 5, 4, 9, 2, 18 and 4, 22, तो 2 to 5, तो दिस इज इक्वल्स टू वर्क फॉर बी, राइट? इसका एलसीएम हम लेंगे तो 2 to 5, और यहां पे 2 to 5 को अगर हम 25 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा, माइनस 2 to 5 को अगर हम 45 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। ठीक है जी, तो ये जो होगा ये होगा हमारा बी का वर्क, जो कि विच इंप्लाइज दैट बीज वर्क इज इक्वल्स टू, ये वन डे वर्क है, बीज वन डे वर्क, राइट? वन डे वर्क is equals to 4 / 2 to 5, ठीक है? तो total work कितने दिनों में करेगा? B can do the work in 2 to 5 / 4 days, right? तो ये हमारा हो गया आंसर।
ठीक है जी, आपको एग्जाम के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंट करना होगा अपना आंसर। आपको ये एलसीएम भी दिखाना पड़ेगा, आपको ये कैलकुलेशन भी दिखानी पड़ेगी, आपको सब कुछ एकदम दिखाना पड़ेगा, शो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर टीचर को ऐसा लगेगा कि आपने चीटिंग किया है, आपने किसी दूसरे बच्चे का देखा है। इसीलिए आप बिना एलसीएम आपने कैलकुलेट किए हुए आपने यहाँ पे 225 लिख दिया। अगर आप ये 225 नहीं दिखाएंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको ये एलसीएम भी दिखाना पड़ेगा और आपको बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। एक एक लाइन आपको ऐसे लिखनी पड़ेगी, आपको पूरा प्रेजेंट करना पड़ेगा हर एक सवाल को, बिल्कुल भी शॉर्टकट में नहीं चलना। ठीक है जी, आपको बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंट करके दिखाना होगा जब आप स्कूल में करेंगे तो एग्जाम के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुनीता कैन एम्ब्रॉयडर अ साड़ी इन 15 डेज। तो सुनीता जो है इनको हम मान लेते हैं एस, ठीक है जी, छोटा हो जाएगा हमारे लिए, इजी रहेगा। और दूसरे कौन है हमारे पास, आभा जी, तो इनको मान लेंगे हम ए, ठीक है जी। तो हम सुनीता को मानेंगे एस और आभा को मानेंगे ए। तो सुनीता जी कोई काम करती हैं, एस इज कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, राइट। तो एस का वन डे वर्क इज 1/15। सेम गोज फॉर आभा, लेट्स चेक फॉर आभा। एज कैन डू, ए कैन डू अ वर्क इन 10 डेज। तो ए इज वन डे वर्क, इज 1/10, राइट। तो अगर कोई पूछे हमसे कि इन दोनों ने, ए और एस, सुनीता ने और आभा ने दोनों ने मिलकर अगर काम किया है तो उनका वन डे वर्क फॉर दोनों का काम क्या होगा, वो होगा 1/15 प्लस 1/10। अब हम 10 और 15 का एलसीएम लेते हैं, 15 और 10 का अगर हम एलसीएम लेंगे तो 5, 3 एंड 5, 2 कितना आ जाएगा, 5 × 3 × 2, दैट इज 5, 3 इज 15 × 2 इज 30। तो 30 हमारा आ गया एलसीएम, इसको हम लिख सकते हैं 32 + 3, दैट इज 5/30, दैट इज 1/6। तो दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो एक दिन के अंदर 1/6 काम करेंगे। S plus A is one day work, ठीक है जी, is equals to 1/6। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इन्होंने दो दिन काम किया साथ में, ठीक है। ये बोल रहे हैं कि they started embroidering the saree together, but 2 days later Abha gave up the work and goes to her parents। तो दो दिन तो दोनों ने साथ में काम किया, आभा ने भी और सुनीता ने भी, दो दिन दोनों ने साथ में काम किया और उसके बाद में आभा ने छोड़ दिया काम, एम्ब्रॉयडरी करना छोड़ दिया साड़ी का और वो चली गई अपने पेरेंट्स के पास में। अब सुनीता अकेली बची है काम करने के लिए। तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी डेज विल सुनीता फिनिशेस द रिमेनिंग वर्क ऑफ एम्ब्रॉयडरिंग द साड़ी, जो बचा हुआ काम है। तो अभी कितना काम बच गया हमें पहले वो निकालना है। तो वर्क लेफ्ट is equals to total work minus work done। तो total work हमारे पास क्या था, 1, और कितना काम हो गया, work done is 2 × 1/6। ये कैसे आया, अब ये देखिए मैं color change करके दिखाता हूं आपको। हाँ जी, तो आप ये देखिए, ये वाला step देखिए एक बार। यहां पे क्या हुआ कि सुनीता और आभा दोनों ने काम किया अगर मिलके, तो उनका एक दिन का काम आ रहा है 1/6। तो अगर हमें इनके दो दिन का काम चाहिए तो इसको इंटू टू कर देंगे तो दो दिन का काम आ जाएगा। तो हमने वही किया है, 2 × 1/6। तो ये क्या आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 1 − 1/3। तो कितना काम बचा हुआ है अभी, वर्क लेफ्ट इज 2/3। तो 2/3 भी काम बचा हुआ है, और ये 2/3 काम करना किसको है, 2/3 काम करना है अकेले सुनीता को, मतलब एस को काम करना है ये, ठीक है। तो टाइम टेकन बाय सुनीता विल बी टाइम
taken by S to complete the job is equals to क्या होगा? वो होगा अगर हम जो भी काम बचा हुआ है हमारा that is 2 by 3, अगर हम 2 by 3 को divide कर देंगे सुनीता के एक दिन के काम से that is 1 by 15, तो क्या हो जाएगा? 2 by 3 into 15 by 1, 3135, that is 10 days. Therefore, कितना टाइम लगेगा सुनीता को? सुनीता, S will finish the work, S will finish the work in 10 days. ये बड़ा बड़ा लिख देना ताकि टीचर को भी मजा आ जाए देखने में कि हाँ भाई बिल्कुल सही आंसर निकाला बच्चे ने. ठीक है जी, तो बिल्कुल आपको इसी तरीके से प्रेजेंट करना है एग्जाम के अंदर भी, बिल्कुल एलसीएम भी दिखाना पड़ेगा आपको, आपको हर एक चीज शो करनी पड़ेगी, कुछ भी वर्किंग नोट में नहीं जाएगा, आपको बिल्कुल इसी तरीके से प्रेजेंट करना पड़ेगा वरना आंसर नहीं मिलेंगे. हमारा एम क्या है? 100 by 100, वो नहीं आ पाएंगे फिर अगर आपने ऐसे प्रेजेंट नहीं किया तो. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है. ये देखिए, 5 men can complete a job in 8 days. How many days will it take if 12 men can do the job? अब आप मुझे ये बताइए, पहले हम इसका टेबल बनाते हैं. ठीक है, आपको कुछ कुछ याद आएगा कि ये वाला जो सवाल हमें मिला है अभी, ये कुछ कुछ हमारा वेरिएशन चैप्टर में से लिंक करता है. अब आप मुझे बताना कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या फिर ये इनवर्स वेरिएशन है. चलिए हम पहले टेबल बनाते हैं. 5 men काम करते हैं 8 डेज के अंदर. ठीक है, तो 5 men जो है वो काम कर रहे हैं 8 डेज के अंदर. ए बी, ठीक है, 5 men जो हैं वो 8 डेज में काम कर रहे हैं. अब ये पूछ रहे हैं हमसे कि 12 men, अगर 12 men काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? अब मुझे आप एक बात बताइए, अगर 5 आदमी काम कर रहे हैं तो 8 दिन में हो रहा है. अगर हम उसी काम को करने के लिए लोग और बढ़ा देंगे तो वो क्या जल्दी का होगा कि कम ज्यादा में होगा? मतलब आप मानिए कि एक चॉकलेट है, अगर 2 बच्चे खा रहे हैं चॉकलेट को हाफ हाफ, तो वो एक दिन में खत्म हो जाती है. अगर हम सेम चॉकलेट 3 लोगों में बांटना शुरू कर देंगे, 3 बच्चों में बांटना शुरू कर देंगे इस तरीके से, तो वो तो और जल्दी खत्म हो जाएगी. अगर एक बच्चे को हम और बुला लें तो वो तो और जल्दी खत्म हो जाएगी, इसके 4 पार्ट हो जाएंगे, राइट? तो जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी जल्दी काम खत्म होगा, राइट? तो यहां पे क्या हो गया? इनवर्स रिलेशन, राइट? ये इनवर्स वेरिएशन का क्वेश्चन होगा. तो इसके अंदर हमारा फॉर्मूला क्या था इनवर्स वेरिएशन का, अगर आपको याद हो तो? फॉर्मूलेज आपको बिल्कुल याद होने चाहिए सारे के सारे, बिना फॉर्मूलेज के हम बिल्कुल कुछ नहीं कर पाएंगे. फॉर्मूला था A1 by, जल्दी बताइए, A2 is equals to B2 by B1. अब वैल्यूज पुट कर दीजिए, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा B1 है, ये हमारा B2 है. बस वैल्यूज पुट करनी है आपको, बिल्कुल भी दिमाग ही नहीं लगाना आपको, बस सिंपल कैलकुलेशन करनी है. तो क्या आ जाएगा? 5 by 12 is equals to x by 8, which implies x is equals to 8 into 5 divided by 12. 4, 2 is 8. 4, 3 is 12. तो आंसर क्या आ गया? 10 by 3. Right? या फिर 3, 1 by 3. तो 3, 1 by 3 ये क्या है? ये है days. इतने days लगेंगे, इतने दिन लगेंगे अगर 12 आदमी काम करेंगे तो. ठीक है जी? Hence, 3 1 by 3 days are required to complete the job by 12 men. Answer. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. Seema weaves 25 baskets in 35 days. In how many days will she weave
110 baskets. Again, इसमें भी हम टेबल बनाएंगे. ये भी हमारा कहीं ना कहीं वही चैप्टर है जो हम पहले कर चुके हैं, जो कि है डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन. अब देखिए, इसमें भी हम छोटा सा टेबल बनाएंगे. सीमा वेज 25 बास्केट, तो 25 बास्केट वो बना रही हैं 35 डेज के अंदर. तो अब बताइए, हाउ मेनी डेज विल शी वीव 110 बास्केट्स. ठीक है, तो ये रिलेशन क्या हो गया. अब आप देखिए, क्योंकि यहां पे ज्यादा लोग इंप्लॉय नहीं हुए हैं, यहां पे वो अकेली काम कर रही है. अगर वो अकेली काम कर रही थी पहले, तो 25 बास्केट वो 35 डेज में बना रही थी. जाहिर सी बात, अब काम इतना बढ़ गया तो टाइम भी बढ़ जाएगा. तो यहां पे क्या हो गया, डायरेक्ट वेरिएशन वाला कॉन्सेप्ट. तो उसका फॉर्मूला क्या था, A1 by B1 is equals to A2 by B2. इजी, नॉर्मल है ये तो बिल्कुल. 25 by 35 is equals to 110 by X, which implies X is equals to 110 into 35 divided by 25. तो 5 7 is 35, 5 5 is 25, 5 1 5, 5 2 10, 5 2 10, तो कितना हो गया, 7 2 14 1, and 7 2 14 1 15. ओहो, ये हो गया 1 5 4 days. ठीक है जी, तो ये हो गया आपका आंसर. हेंस 154 days are required to weave 110 baskets. ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 15 बॉयज अर्न 900 रुपीज इन 5 डेज. How much will 20 boys earn in 7 days? चलिए, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है. इसमें हम क्या करेंगे, 15 बॉयज हैं, 5 डेज हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर. ठीक है, तो हम देखते हैं इसके अंदर. 1 बॉयज अर्निंग इन 5 डेज इज इक्वल्स टू 900 डिवाइडेड बाय 15, कितना आ जाएगा, 5 3 is 15. हम इसको पैसा करते हैं, पहले 3 से करते हैं, 3 5 is 15, और ये हो जाएगा 300, फिर 5 1 5 60, तो ये आ गया हमारे पास 60. तो 1 बॉयज अर्निंग इन 5 डेज इज 60 रुपीज. ठीक है, अब हम देखते हैं 1 बॉयज अर्निंग इन 1 डे, वो कितना हो जाएगा, 60 डिवाइड बाय 5 दैट इज 12. इसको यहां लिख लीजिए, ठीक है 12. तो ये 60 क्या था, ये रुपीज में था, ये भी रुपीज में है. तो हुआ क्या, एक लड़के की, एक बॉय की अर्निंग फॉर 1 डे इज 12 रुपीज. ठीक है जी, हो गया हमारा काम. हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए 20 बॉयज अर्निंग इन 7 डेज इज इक्वल्स टू, एक की कितनी है 12, अब हमें चाहिए इसकी पहले 7 डेज की. तो ये जो अर्निंग है, ये है एक बॉय की 7 डेज की अर्निंग, राइट. अब इसी को अगर हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 बॉयज की आ जाएगी. तो कितना हो गया हमारे पास, हमारे पास हो गया, चलिए इसको हम करते हैं 2240 को 7 से. तो 240 कैसे आया, 12 इंटू 20 इज 240, राइट. इसको 7 से करेंगे तो 70 इज 0, 74 इज 28, 82, देन 72 इज 14 एंड 2 16, 1680, 1680. ये क्या चीज आई है हमारे पास, ये आया है रुपीज. हेंस earning of 20 boys in 7 days will be rupees 1680. answer.
अगर आपने ये लास्ट वाली लाइन नहीं लिखी, आपका नेगेटिव वन मार्क। अगर ये सवाल 5 नंबर का है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 4 मिलेंगे, 5 नहीं मिलेंगे अगर आपने ये लास्ट वाली लाइन नहीं लिखी तो, क्योंकि प्रेजेंटेशन के मार्क्स होते हैं। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्पिनिंग 3 आवर्स डेली, कांता कैन स्पिन 20 kg कॉटन बॉल्स इन 12 डेज। अच्छा जी, बहुत खाली टाइम इनके पास लगता है। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं, पहले तो उन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी है कि वो 3 घंटे स्पिन करती हैं डेली, चरखा चलाती हैं, और 12 दिन करती हैं। ठीक है, तो वो 12 इन अ मंथ, वो मतलब 12 दिन काम कर रही हैं, और 12 दिन में से डेली वो कर रही हैं 3 आवर्स, तो टोटल आवर्स कितने किए उन्होंने, टोटल आवर्स इज इक्वल्स टू टोटल आवर्स ऑफ स्पिनिंग। Spinning is equals to 3 into 12, that is 36 hours. And cotton balls, तो और इन्होंने cotton balls कितनी बनाई है 36 hours के अंदर? Cotton balls made in 36 hours is equals to 2 kg बनाए इन्होंने। अब हमसे पूछ रहे हैं कि स्पिनिंग 4 आवर्स डेली, हाउ मेनी डेज विल शी रिक्वायर फॉर 10 kg। अब देखिए यहां से हमारी उठ के आ जाएगी इक्वेशन, यहां से हम निकालेंगे फिर से वेरिएशन की इक्वेशन। अब बनाते हैं हम अपना स्मॉल स्मॉल बॉक्स ए बी। ठीक है जी, अब यहां पे इंफॉर्मेशन क्या है, 36 आवर्स में बनाते हैं वो 2 kg। अब इनको चाहिए कितने, 10 kg, इनको चाहिए 10 kg, तो कितने आवर्स लगेंगे? रिलेशन क्या हुआ, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, डायरेक्ट वेरिएशन या फिर इनवर्स वेरिएशन, जल्दी बताइए। बिल्कुल, ये हो गया हमारा डायरेक्ट वेरिएशन, क्योंकि यहां पे एक ही आदमी है जो काम कर रहा है, यहां पे आदमी बढ़े नहीं है, अगर आदमी बढ़ जाते तो इनवर्स हो जाता, क्योंकि यहां पे आदमी नहीं बढ़े हैं सिर्फ काम बढ़ा है, तो ये हो गया डायरेक्ट वेरिएशन। तो डायरेक्ट वेरिएशन का फॉर्मूला क्या था, a1 by b1 इज इक्वल्स टू a2 divided by b2, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, 36 divided by 2 इज इक्वल्स टू x divided by 10, विच इंप्लाइज, इसको हम ऊपर लिख लेते हैं क्योंकि स्पेस की वैसी कमी हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 36 into 10 divided by 2, तो 2 1 2 18 180, तो भैया लगेगा कितना, 180 hours लगेगा उनको 10 kg कॉटन बॉल बनाने के लिए। हेंस टाइम टेकन बाय, क्या नाम है इनका, कांता टू मेक 10 kg कॉटन बॉल, मैं सीबी लिख रहा हूं कॉटन बॉल को, इज हाउ मच, 180 hours। देयरफॉर अब हमसे पूछा है इन्होंने कि हाउ मेनी डेज, हमसे आवर्स में नहीं पूछा, नहीं बोला हाउ मेनी डेज, देयरफॉर the number of days required is equals to number of days required to spin 10 kg cotton ball is equals to 180 hours, total चाहिए, और वो daily कर रहे हैं 4 hours, तो ये हो जाएगा days में। अब देखो 2 90 2 45, which is equals to 45 days। आंसर यहां पे लाइन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लाइन हम यहां पे पहले ही लिख चुके हैं। लाइन लिखना बिल्कुल मत भूलना, लाइन लिखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन आपने किस तरीके से करी है वही मैटर करता है। ज्यादातर बच्चे निकाल लेंगे आंसर, कोई ये टेबल नहीं बनाएगा, कोई ये वाली इक्वेशन नहीं लिखेगा, तो अब यहां पे देखिए आप जो आपको मार्क्स देंगे, जो आपकी टीचर होंगी वो
आपको अगर ये सवाल जो होगा, अगर ये 5 मार्क्स का है, अगर ये 5 मार्क्स का है तो आपको पता है कैसे मार्क्स मिलेंगे? 1 मार्क फॉर राइटिंग दिस, 1 मार्क फॉर दिस टेबल, 1 मार्क फॉर दिस फॉर्मूला, 1 मार्क फॉर दिस कैलकुलेशन. ये वाली जो कैलकुलेशन है आपकी और ये वाली जो कैलकुलेशन है, 1 मार्क इज फॉर दिस कैलकुलेशन एंड 1 मार्क इज फॉर दिस, ये जो लाइन लिखी है आपने. तो टोटल कितना हो गया? 1, 2, 3, 4, 5. अगर आपने कोई भी स्टेप मिस किया, आपने ये स्टेप मिस किया तो आपके 1 मार्क्स गए. अगर आपने ये टेबल नहीं बनाई तो 1 मार्क्स गए. आपने सिर्फ ये फॉर्मूला लिखा, ये कैलकुलेशन करी और आपने लिख दिया 45 डेज द आंसर, तो सिर्फ 2 मार्क्स मिलेंगे आपको आउट ऑफ 5, जो कि हमें नहीं चाहिए. हमें चाहिए 5/5. हम कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं. सोमारी स्वीप्स 600 मीटर लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म इन 2.5 आवर्स. हिज वाइफ इमारती स्वीप्स 2/3 ऑफ द सेम प्लेटफॉर्म इन 2 1/2 आवर्स. हु स्वीप्स मोर स्पीडली? ये तो दोनों हस्बैंड वाइफ की कंपटीशन हो रहा है यहां पे कि कौन ज्यादा सफाई करता है और कौन तेज स्पीड से काम करता है, ठीक है? तो हमें स्पीड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि उन्होंने 1 आवर में कितना काम किया, ठीक है? तो सुमारीज 1 आवर वर्क इज इक्वल्स टू 600 मीटर डिवाइडेड बाय 2 1/2, व्हिच इज इक्वल्स टू, अब 600 जो है इसको हम यहां पे लिख सकते हैं, ये आएगा यहां पे, क्या आएगा? 2 2 4 1 5 5 5 by 2, तो 2 को हमने ऊपर भेज दिया, कितना हो गया? 5 1 5 12 2 240 meter है ये. 600 मीटर था. अब ये 1 आवर के अंदर सुमारी ने 1 आवर के अंदर 240 मीटर प्लेटफॉर्म जो है वो स्वीप किया है, ठीक है? साफ किया है उन्होंने, जो रेलवे स्टेशन का जो प्लेटफॉर्म होता है वो 600 मीटर उन्होंने साफ किया है, सफाई करी है सुमारी ने 240 मीटर्स इन 1 आवर. अब हम बात करते हैं इनकी वाइफ की. हिज वाइफ इमारती स्वीप्स 2/3 ऑफ द प्लेटफॉर्म इन 1.5 आवर, ठीक है? तो एरिया कवर्ड, एरिया कवर्ड बाय, नाम क्या है इनका? इमारती. इमारती इज इक्वल्स टू, सबसे पहले तो हम इसका एरिया निकालेंगे. तो इन्होंने कितना किया? 2/3 किसका? 600 का. तो कितना आ गया? 3 1 3 2 400 मीटर. इन्होंने 400 मीटर किया है कितने टाइम में? इन्होंने किया है 1.5 आवर्स के अंदर. तो इन्होंने 1 आवर में कितना किया? तो इमारतीज 1 आवर वर्क इज इक्वल्स टू, यस, 400 मीटर डिवाइडेड बाय 1 1/2, ठीक है? इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, 1 1/2, जिसका मतलब होता है 400 डिवाइडेड बाय 3 into 2. तो ये तो आएगा पॉइंट्स में, ये तो हमें भी पता है. अब ये कितना हो गया? 800 डिवाइड बाय 3. चलो जी शुरू हो जाइए. 2 6 2 0 6 18 2 0 6 18 2.0 6 18 2, तो ये 6 6 आ गया. तो इसका मतलब क्या हुआ? 266.66 मीटर. ये जो डिवाइड मैंने किया है ये भी आपको दिखाना पड़ेगा एग्जाम के अंदर, वरना मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे आपको. टीचर को लगेगा आपने कॉपी किया है, या तो आगे वाले स्टूडेंट का या फिर पीछे वाले स्टूडेंट का. वरना आपको कैसे पता चला कि ये ऐसे ही आपने डिवाइड कर दिया और 266.66 मीटर आ गया? अब देखिए, सुमारी 1 आवर के अंदर 240 मीटर्स क्लीन करता है, और इमारती जो कि उसकी वाइफ है वो 1 आवर के अंदर, दोनों का देखिए 1 आवर है, 1 आवर के अंदर 266.66 मीटर कवर करते हैं. तो बताइए, हु स्वीप्स स्पीडली, हेंस
इमारती स्वीप्स स्पीडली, ठीक है जी, ये हो गया हमारा आंसर। तो इसी के साथ हम करते हैं इस वीडियो का एंड। बाकी थर्ड पार्ट जो आएगा उसके अंदर हम और भी क्वेश्चंस करेंगे टाइम एंड वर्क के ही, और भी ज्यादा डीप कॉन्सेप्ट में जाएंगे। अभी तो सिर्फ दो लोग काम कर रहे होते हैं, फिर आगे हम दो की जगह पे तीन लोग को भी लेके आएंगे। तीन लोग एक साथ काम कर रहे होंगे, कुछ लोग छोड़ के जाएंगे, कुछ लोग ऐड होंगे, तो हम हर वैरायटी के जो क्वेश्चंस होंगे वो सारे कवर करेंगे अपनी सीरीज के अंदर। तो आपको डरने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, आप आराम से बस क्वेश्चन पे क्वेश्चन करते जाइए हमारे साथ में, और आपका कॉन्फिडेंस इस तरीके से बूस्ट होगा कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक का इन चार वीडियोस को देखने के बाद में कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप आराम से कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, उसके अंदर हम आपको और क्वेश्चंस करवाएंगे। रही बात ये इस स्लाइड की, यहाँ पे हैं पांच चीजें जो आपको करनी है एनी हाउ। ये है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको जो भी मैंने पढ़ाया वो अच्छा लगा है, तो प्लीज डू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हैं उतना शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी लोग भी देख सकें, बाकी लोग भी पढ़ सकें और उनके भी अच्छे मार्क्स आ सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस होंगी, जो इसका सेकंड पार्ट, जो थर्ड पार्ट होगा, जो फोर्थ पार्ट होगा, और जो आगे आने वाले चैप्टर्स होंगे, आप वो भी देख सकते हैं आराम से। और प्लीज इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी देख सकें जो कि एजुकेशन, मतलब जो हमारी कोचिंग होता है, जो इंस्टीट्यूट जाना होता है, जो ट्यूशन होती है, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, वो भी आराम से घर पे बैठ के देख सके। इसको इतना शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, ऐसी चीज एक एग्जिस्ट भी करती है जहां पे आप सब कुछ फ्री में पढ़ाई कर सकते हैं, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। तो नो मोर ट्यूशन आर रिक्वायर्ड, यू कैन सिट बैक, रिलैक्स एट होम, एंड यू कैन वॉच अवर ऑनलाइन अमेजिंग क्लासेस, एंड यू कैन स्कोर वेल एज वेल। ठीक है दोस्तों, फिर हम लोग मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।